हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस रूफ़ गार्डन के यूट्यूब चैनल पे। और पिछली वीडियो हमने डाली थी उसको आपने बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छी लगी आपको वीडियो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने पिछली बार आपको दिखाया था कि हमारे यहाँ पे कुछ ककड़ी और खीरे सब लगे हुए हैं और हमने उनमें से रोज़ तोड़ के हम लोग खाते भी रहते हैं, तो अच्छा है कि हम लोग का खीरे की बचत हो जाती है और हमको खीरा ख़रीदना नहीं पड़ता है, क्योंकि खीरा इस समय तो महंगा भी है और इतना खीरा निकल जाता है कि हमें खीरा ख़रीदना ना पड़े। इस समय भी ककड़ियाँ काफ़ी, हमने सब बाकी तो तोड़ ली हैं और छोटी छोटी भी ककड़ियाँ लगी हुई हैं। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी ककड़ियाँ अभी भी लगी हुई हैं और इनकी भी हार्वेस्टिंग होगी, तो भी अपनी साइज़ पर आ जाएंगी। और इसी पौधे में से, और नीचे दो चार पौधे हैं उसमें से हमने खीरे तोड़े थे। ये सिर्फ दो पौधे लगे हुए हैं, देखिए एक पौधा ये है और एक पौधा ये है, और एक इसकी जड़ में भी खीरा फरा हुआ है। और देखिए एक खीरा यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है। और हमने आज खीरे की हार्वेस्टिंग भी की है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये हमारी रूफ़ गार्डन के ताज़े ताज़े खीरे, और ताज़े खीरों की बात ही अलग होती है। देखिए ये कितना बढ़िया खीरा है, और ये अभी हमने तोड़ा है अपने इसी रूफ गार्डन से, और ये सारे खीरे भी हमने अभी तोड़े हैं। तो कितने सुंदर खीरे हैं। और इस तरह से हमने काफ़ी सारी सब्जियां अपने गार्डन से तोड़ते रहते हैं। इसमें मिर्चा काफ़ी सारा फरता है, जैसे इसमें यहाँ पर लगा भी हुआ है मिर्च, तो हम इसमें से भी मिर्चा तोड़ते रहते हैं। और यहाँ पे लौकी, जैसे कहीं घिया, कहीं कुछ, कई नामों से पुकारा जाता है। देखिए पिछली बार मैंने वीडियो में दिखाया था तो कितना छोटी छोटी थी, और इस समय देखिए कितनी बड़ी हो गई है। साइज़ देखिए इसका, ये 1.5-2 किलो की ये घिया हुआ पड़ा है, और ये भी 1 किलो से ऊपर ही है। और एक यहाँ पर भी लगा हुआ है, और अभी भी छोटे छोटे फल पकड़ ही रहा है। यहाँ पर एक है, वहाँ पर भी एक है, और भी एक फल पकड़ रहा है। तो इसमें से हम 2-3 घिये तोड़ भी चुके हैं, सब्ज़ी बना ले चुके हैं, और अभी भी ये काफ़ी फर रहा है। तो बस देख सकते हैं आप, छोटे से गमले में आप लगा के कितने अच्छी अपने अपने खाने भर की सब्ज़ियाँ कम से कम उगा सकते हैं, क्योंकि ताज़ी सब्जियों की बात ही अलग होती है। और आप मार्केट से ख़रीद के खाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि वो कैसी जगह पर उगाई गई हैं, उसमें किस तरह के फर्टिलाइज़र्स दिए गए हैं। और ये हमारा हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जिसमें अभी पालक लगी हुई है, इसकी भी हार्वेस्टिंग जल्दी ही होगी। तो दोस्तों, हमने आपको अभी अपने छत का गार्डन दिखाया, और ये हमारे ग्राउंड फ्लोर पे सबसे नीचे हमने कुछ और पौधे लगा रखे हैं गमलों में, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें हमने कोकोपीट भर के और पौधे लगा रखे हैं, खीरे के, करेले के, ये सब खीरे के ही पौधे हैं देखिए। और इस सब पे खीरे छोटे छोटे लगे हुए हैं, देखिए जैसे यहाँ पे खीरा लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे खीरा लगा हुआ है ये, और यहाँ पे भी एक खीरा लगा हुआ है, ये देखिए। और ऐसे ऐसे कई सारे इसमें खीरे लगे हुए हैं, यहाँ पे लगा है, उसके ऊपर भी लगा हुआ है वहाँ पे, और कई सारे इसमें इधर भी खीरे लगे हुए हैं, और कुछ खीरे हमने तोड़ भी लिए हैं। यहाँ पे भी एक खीरा लगा हुआ है। तो ये कुछ खीरे के पौधे हैं जो कि हमने ग्रो बैग में और गमलों में अपने लगा रखे हैं। और यहाँ पे देखिए करेले का पौधा है, और इसमें करेले लगे हुए हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये करेला इसमें लगा हुआ है, वो ऊपर वहाँ पे करेला है, यहाँ पे है, यहाँ पे अंदर भी लगा हुआ है, और भी इसमें काफ़ी सारे करेले लगे हुए हैं, वहाँ अंदर भी लगा है देखिए। तो यहाँ पे हमने करेले के पौधे लगा रखे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी कुछ पौधे लगा रखे हैं और अपना ये गार्डन बना रखा है, और हमें अपने खाने भर की सब्जियाँ इन्हीं से मिल जाती हैं, और ये फ्रेश सब्जियाँ हैं एकदम। हम इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र, मतलब दवाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एकदम फ्रेश सब्जियाँ हैं। मार्केट से अच्छा है कि आप अपने घर पे ही अपने थोड़े बहुत गमले और या फिर जो चीज़ें वेस्ट हैं उसमें मिट्टी, ग्रो बैग, अगर मिट्टी नहीं है आपके पास तो आप इसमें कोकोपीट भर के लगा सकते हैं। अगर कोकोपीट के बारे में कैसे फार्मिंग करनी है इसकी डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये देखिए, हमने अपने गिलास में यहाँ पे भर के लगा रखे हैं पौधे,
गिलास में हमने कोकोपीट भर के, गिलास में कोकोपीट भर के हमने बीज लगा रखे हैं। ये भिंडी है, ये लाल वाली जो भिंडी होती है, रेड लेडी फिंगर, उसी का ये पौधा है। और ये सब शिमला मिर्च के पौधे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ टमाटर के पौधे लगा रखे हैं, और ये कोकोपीट भर के हमने इसमें लगा रखा है। और ये कुछ लाल गोभी के बीज हैं जो कि अब धीरे धीरे उग रहे हैं। और भी हमने काफ़ी उधर बैंगन के पौधे लगा रखे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि कैसे हमने उसमें लगा रखे हैं। तो चैनल पे आप बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे इसमें फार्मिंग के चैनल को, जैसे आप रूफ़ पे कैसे फार्मिंग कर रहे हैं, अपने घर पे अपने खाने भर के पौधे कैसे उगा पाएँ, खाने भर की सब्जियां कैसे लगा पाएँ, इसके बारे में आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और आप भी अपने घर पे अपने खाने के लिए सब्जियां उगा पाएंगी, जिसके लिए आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको अच्छा भी रहेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आप कैसी सब्जियां खा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।